कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि अभी अभी अपने स्टार्ट नहीं किया था और मालूम पड़ गया कि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी। ठीक है, तो एक ये बन जाएगा। ठीक है, एक सीसी ट्रांस पे ले लो बेटा, एक सीसी ट्रांस पे ले लो ऐसा। ठीक है, तो कितने बन गए देख लो एक बार। तीन बन गए जीआई, तीन बन गए। और इसमें से देखो एक ऑप्टिकल एक्टिव दिख रहा होगा तुमको, ये वाला। तो दो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, तीन जीआई हो गए, और चार क्या हो जाएंगे इसके, स्टीरियोइसोमर। थ्री सी कहाँ से निकालो? तुम लोग अपने आंसर भी तो मैच कर लिया करो भाई, क्रॉस चेक कर लिया करो। पूरा दिन गूगल चलाते रहते हो, इन क्वेश्चन को भी मैच कर लिया करो। ठीक है, समझ आ गई? ए ऑप्शन इज करेक्ट, क्लियर है? ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आज का जो टॉपिक मैंने रखा है, मोल कंसेप्ट का। अब बेटा ध्यान से सुनना, डिटेल में तो चैप्टर में नहीं करवा पाऊंगी, ठीक है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बहुत करवा दूंगी आपको इस चैप्टर के। अब ये सुन लो, तुम्हें घर पे क्या करना है, पहली बात तो घर से पढ़ के आना, बिना पढ़ के आओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिविजन चल रहा है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इस चैप्टर में क्या पढ़ना, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप नोटिस कर पा रहे हैं, तो मैं स्टार्टिंग से नहीं करवा रही हूँ, मूल से करा रही हूँ। क्योंकि क्वेश्चंस आपने देखा होगा, जो आपके स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है बेसिक, वहां से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने 2023 का क्वेश्चन देखा हो, वैसे कुछ बच्चे बोलते हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम से था, बट मैं जनरली उसको मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मानती हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बेटा ये सजेस्ट करूंगी कि जब आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तो बहुत बच्चों ने पढ़ भी लिया होगा क्योंकि अवंती में टेस्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग ना बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो ये सिग्निफिकेंट फिगर है, बेशक ये छोड़ देना, क्योंकि ये आप लोग अपना फिजिक्स में पढ़ते हैं, बेशक छोड़ देना। ठीक है, लेकिन जो ये एक एक जो छोटी छोटी चीज है ना, 1 AMU क्या होता है, ठीक है, ये वाली चीज, AMU को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मतलब ये बहुत छोटी छोटी चीज, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये वाली सारी चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, है ना, आइसो इलेक्ट्रॉन, ये छोटी छोटी चीजें चीजें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर तुमने 2023 का पेपर उठा के देखा है, तो उन्होंने वो चार पांच स्टेटमेंट बना के दिए और पूछा इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो वो ऐसा इन बेसिक चीजों में जो है वो क्वेश्चन जो है बना के आप लोगों से पूछ सकता है। तो आपको अगर कर रहे हो, अगर मान लो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो 100% सिलेबस नहीं कर रहे होंगे, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। लेकिन आप मान लो अगर 80% सिलेबस भी कर रहे हैं केमिस्ट्री का, या 75% भी कर रहे हैं, मेक श्योर फिर आपने एक एक चीज पढ़ रखी उसकी। ऐसा नहीं है फिर आधी आधी चीजें पढ़ के चले गए, और पता चले जो आधी नहीं पढ़ के गए उसमें से ही क्वेश्चन आ गए, तो फंस गए आप लोग वहीं पे बैठे बैठे। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से करना है। अगर ये वाला चैप्टर करके जा रहे हो, तो फिर अच्छे से करके जाओ। जो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दे रखी हैं चीजें, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा ओके। चांसेस कम है, नो डाउट, उसमें से चांसेस कम है आने के, बट आ सकता है। ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोगों को बेटा ध्यान से करनी है। ओके, तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट मोल से ही स्टार्ट करूंगी। आपको पता ही है जो मोल है वो, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि एक डजन में 12 होते हैं, एक पेयर में 2 होते हैं, वैसे आपका एक मोल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल 6.022 × 10³। ठीक है, ये क्या है, छोटे पार्टिकल्स पे लगाया गया है, छोटे पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, लाइक एटम हो गया, आपका मोलिक्यूल हो गया, आपका आयंस हो गया, इन सब के ऊपर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं एक मोल क्या है, 6 एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, अब वो पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आपके एटम हो सकते हैं, ठीक है, मोलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। अगर किसी को चैप्टर आता है तो आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, जो भी मैं लाई हूँ, अगर वो हो पा रहे हैं तो इट मींस यस आपको आता है चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा जैसे मैं 1 AMU कह रही थी, 1 AMU क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एटम, AMU क्या होता है बताओ, मुझे कोई बताएगा क्या होता है AMU? यही होता है, यही होता है 1/12 ऑफ कार्बन 12, यही बोलते हो आप लोग, यस। ठीक है, तो बच्चे पहले AMU होता था, अब आपके पीछे जो है यूनिफाइड मास से इसको दिखाते हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 किसके बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसके बराबर होता है। कौन बताएगा किसके बराबर होता है ये?
अगर आपको मान लो इसका मास बताना है 1 atom of C12 का, तो कितना होता है मुझे बताओ, याद किया मैम? होगा? एक एटम का मैम 12.6.023 × 10³ इसका 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 मैम 1.66 × 10⁻²। मैम अप्रोक्सीमेटली 1 लेते हैं इसका, अप्रोक्सीमेट 1 लेते हो, ठीक है ये मैम 12 होगा, ठीक है ये 12 होगा बेटा। याद करो जब भी आपको किसी मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, ये बहुत बेसिक चीज है पढ़ लेना इसको, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट निकालना, तो आप क्या करते हो उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई, मास नंबर इनटू मास ऑफ प्रोटोन, ऐसे ही करते हो ना, ऐसे ही करते हो, याद करो ना, मास ऑफ प्रोटोन कितना होता है 1.67 × 10⁻²⁴ ग्राम या −27 kg, अगर पता है तो थम्स अप देते जाओ, यस मैम यही होता है, ठीक है। तो आपको किसी का भी निकालना है तो उसके बराबर होता है। अब यहाँ पे आप पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा 12 × क्या आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटोन, उसी को तो बोल रहे हैं आप लोग 1 AMU, ठीक है 1/12, तो मास ऑफ 1 atom of C12। अगर आप लोगों को नहीं पता इट मींस पढ़ लेना जाके, कहीं आप लोगों ने भी डायरेक्ट मोल से ही शुरू कर रखा हो ये चैप्टर, ठीक है, तो पढ़ लेना इसको, ठीक है। अच्छा बेटा अब बात आती है, ये छोटी छोटी चीजें आती है जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर कहीं पे लिखा 1 gram atom वो क्या है, 1 gram molecule लिखा हो वो क्या है, 1 gram ion लिखा हो वो क्या है, ठीक है। तो 1 gram atom क्या है बच्चे, 1 mole of atom है, क्या है मेरे बच्चों, 1 mole of atom है, घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। 1 gram atom का मतलब क्या है, वो किसकी बात कर रहा है, 1 mole की बात कर रहा है, ऐसे याद रखना। 1 gram atom का मतलब क्या है, वो 1 mole की बात कर रहा है। अगर 1 gram molecule की आ जाए तो वो किसकी बात कर रहा है, 1 mole of molecule की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मोलिक्यूल बेटा बताइए, yes. और ऐसे इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम, क्योंकि हमें पता है 1 mole किसके बराबर है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो, आयंस बोल दो, है ना, एटम बोल दो, आयन बोल दो या मॉलिक्यूल बोल दो, इन सबको आप पार्टिकल्स बोलते हो, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स। और ऐसी अगर मैं बात करूं आयंस की, तो वही 1 gram में क्या हो जाएगा, 1 mole of ions, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटोन की टर्म्स में भी बोल सकते हो, ठीक है, हो गया, ठीक है। तो आपके क्या है, एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल बोल दो, एटम बोल दो, मॉलिक्यूल बोल दो, आयंस बोल दो, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ले लो, प्रोटॉन बोलो, तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा जी आगे चलें, ठीक है, ये चीजें हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की बारी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ बच्चों ने वाई मैप करके याद किया होता है ना, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे कर सकते हो, मैं जनरली ऐसे कराती हूँ, पता नहीं मुझे क्यों वाई मैप पसंद नहीं है, ना मैंने खुद ऐसे किया था ना मैं बच्चों को ऐसा कराती हूँ। अगर आप लोगों ने वैसे किया हुआ है तो बिल्कुल मजे से वो करो, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, ये आप लोगों को टिप्स पे रट्टे होने चाहिए फॉर्मूले। जैसे मैं एक बार रिवाइज भी करा देती हूँ, जैसे अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो कैसे निकालोगे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या होगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर वेट, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम की बात करो तो वही गिवन मास बाय मोलर मास। ध्यान रखना मेरे बच्चों, अगर आप यूज करते हो, जब आप मोल्स की बात करते हो तो उसमें जो वेट लेते हैं हम वो ग्राम में हो जाता है, राइट, और जब आप एटम्स की, मतलब क्या बोलते हैं, एक एटम की बात कर रहे होते हैं या एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे AMU आता है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आप बोल रहे हो क्या बोलते हैं, 1 AMU बोल रहे हो, इट मीन्स आप एक एटम की बात कर रहे हो, ठीक है। जब आप ग्राम की बात करते हो मतलब आप मोल्स वाले टर्म्स में बात करो, ठीक है जी, तभी यहाँ पे ग्राम आया है, ठीक है। ये वाली चीज थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन बेसिक में कैसे भी बना सकता है वो, ठीक है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ 4 AMU H2SO4, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, 4 molecules of H2SO4 बोलो, यही होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 4 gram H2SO4 तो क्या बोलोगे, 4 moles of H2SO4, ठीक है। तो जब हम ग्राम की बात करते हैं तो वहां पे आ जाता है आपका, मोल की बात करते हैं तो वहां पे ग्राम आ जाता है, और वैसे जो है अगर आप बात करते हैं तो वो AMU की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा जी अगर मैं बेटा बात करूं गैसेस की बात करूं तो, गैसेस की बात करूं तो वहां पे क्या लेते हो, अगर मान लो दो कंडीशन है बच्चों, STP और NTP, ध्यान से सुनते जाना,
एसटीपी और एनटीपी, पहले क्या होता था ना, ओल्ड कन्वेंशन जो थी इनको सेम मानता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा एसटीपी की, तो एसटीपी में क्या होता है, टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना होता है, 1 bar। जबकि अगर मैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर की बात करूं, तो टेम्परेचर वही रहेगा 0 डिग्री, 273 केल्विन, और प्रेशर क्या रहेगा, 1 atm, ठीक है। ठीक है, अगर आप बुक देखेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है आप लोगों का, 22.7 चेंज हो गया, है ना, नई वाली एनसीईआरटी में चेंज हो गया, तो आप वो ध्यान रखेंगे, बट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन टेक 22.4 लीटर, चाहे वो एसटीपी हो चाहे वो एनटीपी हो। क्यों? क्योंकि 1 atmosphere किसके बराबर होते हैं मेरे बच्चों, 1.01 के आसपास होता है, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए मैं क्या कंसिडर कर लेती हूँ, 1 atmosphere इज अप्रोक्सीमेटली टू 1 bar, ठीक है जी। तो आप लोग अगर आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो आप 22.4 लीटर ले सकते हैं, आंसर में चेंज ज्यादा नहीं आने वाला, ठीक है। बट अगर मैं नई एनसीईआरटी को देखूं तो वहां पे उन्होंने ये चेंज कर दिया, 22.7 लिख दिया। अगर किसी ने पढ़ी है तो उसको मालूम होगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर बेटा आपको गैसेस की मैं बात करूं एट एसटीपी पे या एनटीपी पे, तो क्या होगा, गिवन लीटर्स जो भी वॉल्यूम दिया होगा गैस का, डिवाइड बाय 22.4 लीटर। मैं फिर बोल रही हूँ, ये किसके लिए लगाओगे, गैस के लिए लगाओगे एट एनटीपी और एसटीपी पे, ठीक है। अच्छा, अगर उसके बाद मान लो मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो, किसके, एटम्स के, आयंस के, या मतलब पार्टिकल्स निकालने हो, तो कैसे लगाओगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय आपका एवोगैड्रो नंबर ऑफ, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, एटम के केस में, गैसेस के केस में, ठीक है, पार्टिकल्स निकालने हो तो कैसे करोगे, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और ये भी चीज पता होनी चाहिए, अगर मान लो 1 mole ऑफ, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन गैस, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, इसका 32 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है, बोलो हाँ या ना। अगर आप 1 mole लेते हो किसी भी गैस का, ले रहे हो मॉलिक्यूल ले रहे हो, तो वो किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के मोलर मास के बराबर होगा। तो ये वाली चीज आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। क्या ये फॉर्मूले आपको याद है, क्या ये फॉर्मूले आपको ध्यान है, बताओ भाई, ठीक है। अगर फॉर्मूले याद है, क्वेश्चन पे आ जाऊं मैं, डायरेक्ट आ जाऊं क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए, अब मैं तुम्हें देखो स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से, यहां से स्टार्ट कर रही हूँ, तो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाइए। अगर आपसे सोल्व हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो इट मींस कहीं ना कहीं आपका कॉन्सेप्ट स्टिल जो है वो वीक है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल सैंपल ऑफ एसिटिक एसिड। तो अब आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, याद रखना जब आपको एटम्स निकालने होते तो पहले मोल निकालो, मोल से उसके मॉलिक्यूल्स निकालो, देन आपके टोटल नंबर ऑफ एटम्स पता चलेंगे, ठीक है। चलिए ट्राई कीजिए ये क्वेश्चन, देखती हूँ कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल, करिए भाई करिए। मैं जनरली जो क्वेश्चन सोल्व कराती हूँ वो यूनिटरी मेथड से कराती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने जैसे किया हुआ है आप लोग वैसे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप लोग ट्राई करेंगे सारे बच्चे क्वेश्चन कैसे होंगे। क्या हुआ बेटा, 20 NA आ रहा है हर्षिका, चलिए देखते हैं बेटा, 20 तो नहीं आएगा, बहुत ज्यादा ही आ रहा है तुम्हारा तो। बाकी NA by 24, ठीक है, इसको सोल्व करना 1 by 24 को एक बार डिवाइड करना, कितना आ रहा है कैलकुलेटर से कर लो, कितना आ रहा है, 12 point something आ रहा है क्या, 0.25 × 10⁻¹⁴, मेरे पास इतना आंसर तो रिपोर्ट नहीं है, 0.04 आ रहा है। अच्छा एक मिनट रुको मैं चेक करती हूँ, बट मेरे पास आंसर कुछ और रिपोर्टेड है, एक मिनट रुको, 0.04 something आ रहा है ये, ठीक है। तो कैसे किया आप लोगों ने, देखते हैं चेक करते हैं, ये तो मॉलिक्यूल्स है ना, मैं एटम्स फाइंड कर, हाँ यस मैम,
ठीक है, मैं वही बोल रही हूँ इतनी देर से कि मेरे पास ये आंसर रिपोर्ट नहीं है, तो इसलिए मैं फिर बोल रही हूँ, एक बार फिर देख लो तुमने क्या गलती किया। कहीं तुमने मॉलिक्यूल्स तो नहीं निकाल दिए, कहीं तुमने मॉलिक्यूल्स तो नहीं निकाल दिए, एटम्स निकालने हैं, ध्यान से देखो। किसी का आंसर आ रहा है 12.something into 10 की पावर 23, क्या ये आंसर आ रहा है किसी का जो मैंने बोला? नो मैम, नहीं आ रहा, चलो देखते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा वन मोल इसका, ले लेते हैं वन मोल ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, इसमें कितने एटम्स हैं, इसमें कितने एटम्स हैं? एन ए, एट एन ए, टेन कौन बोला, टेन कौन बोला भाई? ठीक है, एट एन ए है। ठीक है, आपको किसमें चेक करने हैं? तो ये ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, मोल है, बताइए हाँ या ना? मैम हमें कैसे पता चलेगा ये 8 Na, मतलब 8 नहीं समझ आया। क्यों नहीं आया बच्चे, आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है ना, कितने हैं एसिटिक एसिड में नंबर ऑफ एटम्स बताओ। यस मैम, क्लियर है। ठीक है, 8 Na होगा, ठीक है जी, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं हमें। निकालना किसमें है, इसमें निकालना, तो 2.5 मोल में कितने होंगे बच्चे, देखो 8 Na × 0.5, यही किया था क्या आप लोगों ने, यही किया था? मैम 2.5 ग्राम दिया है वो, तो 2.5 ग्राम नहीं है बच्चे, 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल है। ये देखो, इधर आओ, इधर आओ, ये देखो 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, पर मॉलिक्यूल। हाँ, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात की है, यही तो मैं बोल रही थी, यही फंसते हो आप लोग, और पहले क्वेश्चन में फंस गए तुम लोग, समझे? ऐसे किसने किया था, मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा, ऐसे किया किसी ने, नहीं किया ना, हो गई गलती। ठीक है, तो अब इसको सोल्व कर लो, कितना आ रहा है तुम लोगों का, 8 × 6.022 × 10 की पावर 23, ठीक है, इंटू कर लो इसको 2.5 × 25/10, अब देखो सोल्व करके कितना आंसर आ रहा है, सोल्व करके देखो क्या वही आंसर आ रहा है जो मैंने बताया था। 20 Na तो आएगा क्या? अच्छा, मैं पूरा सोल्व करने के लिए बोल रहा हूँ बेटा, 20 Na, तो कितना आ रहा है तुम्हारा, 12 point something आ रहा है × 10 की पावर 23 आ रहा है, तो ऐसे जिसने किया था वो एकदम जो है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है जी, तो हर्षिका ने सबसे पहले आंसर दिया था, हर्षिका तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो वेल डन। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, जहां पे भी ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, ग्राम एटम दिया हुआ है, ग्राम आयन दिया हुआ है, इट मींस वो मोल की बात कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। और 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना है। अब भूल गए, आज के बाद मत भूल जाना, ठीक है, इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जामिनर नहीं देगा कि यहाँ पे 2.5 ग्राम लिख के दे देगा, समझ गए? तो 20 × Na कर रहे हो, अगर पूरा सोल्व करोगे तो मैं इसका आंसर मैं लिख देती हूँ 12.044 × 10 की पावर, मेरे पास जो रिपोर्ट है 23, ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। मेरा आंसर 1.2044 आ रहा है। हाँ, तो वो तुमने उसका पावर को आगे पीछे नहीं किया होगा, ठीक है, आगे चलूं मैं, बताइए हो जाएगा ये क्वेश्चन, अब क्या गलती की थी पता चल गया, ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है ये, अगर जिससे पहले वाला गलत हो गया था, अब करना सोच समझ के करना ना। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 5 मोल ऑफ ग्लूकोज विल बी, अब यहाँ पे एग्जामिनर ग्लूकोज भी लिख के दे सकता है, तो ग्लूकोज का भी तुम्हें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। हर्षिका बेटा ऐसे आंसर मत दो, अगर आपको आता है तो रेज योर हैंड बेटा, ठीक है, जिसको भी आता है आप अपना हैंड रेज करो बेटा, ठीक है, ओके करो, और ट्राई करना कि 10 सेकंड से ऊपर ना लो बेटा, क्योंकि पता चले मैंने क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे करवाने हैं, पता चले इसमें ही चला गया टाइम, ठीक है। तो साक्षी ने कर लिया है, अमन ने कर लिया है, हर्षिका, यस साक्षी कैसे किया ये क्वेश्चन? मैम इसमें नंबर ऑफ एटम्स 24 है और 5 मोल किया है और 1.022 × 10 की पावर 23 होता है, तो लास्ट क्वेश्चन की तरह 24 × 5 × 6.022 × 10 की पावर 23 करा। क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, मेरे को सच बताओ, सुनाई नहीं दिया, क्या आ रहा है आंसर, क्या आ रहा है? मैम सी आ रहा है।
ठीक है, हाँ आंसर ठीक है। तो आप कैसे करोगे बेटा, एक मोल में कितना होगा ग्लूकोज के, देख लो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं टोटल आपको, 24 एनए हो जाएगा। ठीक है, अभी एनए के टर्म्स में देना है, इट मींस आपको पूरा सोल नहीं करना है। तो 5 मोल में पूछा है कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना, ये नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप विद इन 10 सेकेंड जो है क्वेश्चन कर सकते हो, तो आपका आंसर आएगा 120 एनए। समझ आ गई है आप लोगों को? ठीक है मैम, ठीक है ठीक है। हो सकता है कि आप कोई और अप्रोच फॉलो करते हो, ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करते हो, जैसे भी आप करते हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तुम्हारा नीट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। विच और ऐसे क्वेश्चन फेमस है, मतलब पॉपुलर रहते हैं एग्जाम्स में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, आपको एटम्स बताने। देखो मोल निकालना ना आसान होता है, ठीक है, एटम्स निकालने में बच्चे फंसते हैं, तो ध्यान रखना पहले मोल निकालोगे, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, तभी आप एटम्स को जो है निकाल पाओगे। ठीक है, चलिए देखो, करो भी, करो 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 करो। करो, जिसका हो रहा है बहुत अच्छी बात है। यही फॉर्मूला लगाया होगा ना आप लोगों ने, मास दिया हुआ है क्या, मोलर मास मालूम है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, एनए पता है, क्या करोगे, कर दो, कितना है, क्या आंसर आ रहा है सबका, जल्दी बता दो मेरे को। मैम डी ऑप्शन, मैम डी, डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को यूज करना है, तो यहाँ पे क्या होगा, एन नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालोगे तुम बताओ, एनए बाय 108 करके निकल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे वाले जैसे मैं करती हूँ यूनिटरी मेथड से, तो आप ऐसे कर सकते हो कि 108 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम है सिल्वर के, ठीक है, एनए ही होगा, एक ही है, ठीक है, 1 × NA, और आपको 1 ग्राम में बताना है, तो एनए बाय 108। ठीक है, ऐसे ही सेम बच्चे आप मैग्नीशियम का भी कर सकते हो, कैसे करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनए बाय 24 हो जाएगा इस केस में, बताइए। यस मैम, इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें देखो O2 है, ठीक है, इसमें क्या है, O2 है, तो क्या करोगे बताओ, एनए बाय 32, एनए बाय 32, एनए बाय 32 करोगे बताओ। मैम इंटू 2 होगा। यस मैम, मॉलिक्यूलर मास 32 ही होगा। तुम लोग भूल क्यों रहे हो बेटा, कर क्या रहे हो तुम लोग, देखो इधर, इधर आओ, कैसे करोगे, 32 ग्राम होगा ना इसका मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास बोलो, मॉलिक्यूलर मास नहीं सही रहेगा बोलना, ठीक है, मोलर मास, तो इसमें कितने होंगे, 2 × NA होगा, ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने होंगे, 2 × NA/32, ये करना है। तुम लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो या तो, ठीक है, और इसको कैसे करोगे डी को बेटा, ये सिंपल हो जाएगा क्योंकि एक ही है, तो एनए बाय 7, तो देख लो जितना डिनोमिनेटर कम होगा उतनी वैल्यू ज्यादा होगी, तो इसका डी आंसर होगा। ठीक है, तो डी आई होप कि आप लोगों का आया है, अर्पिता डी आया था क्या? यस सर। ठीक है, चलें आगे, हो गए 3 क्वेश्चन, आगे चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2018 एंड मेरा फेवरेट क्वेश्चन, मतलब ये वाला क्वेश्चन तो मैं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता जब तुम्हारा रिवीजन क्लास चल रहा हो ये क्वेश्चन मैं ना कराऊं, क्योंकि ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है और दोबारा भी आ सकता है। नीट 2018 का क्वेश्चन है ये, इन विच केस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मैक्सिमम। इसके लिए आपको एक हिंट दे देती हूं, जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स भी निकाल सकते हैं इसमें, और जिसमें ज्यादा होंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होंगे। जिन बच्चों ने ये कर रखे हैं नीट के PYQs, आई थिंक उनको तो देखने की जरूरत ही नहीं है, फटाफट उनके आंसर आ रहे होंगे, बाकी ट्राई कीजिए बेटा। ठीक है, साक्षी, वंशिका, वंशिका रावत जो मेरे पास पहले आती स्टूडेंट, आप वही हो बेटा? यस मैम। अच्छा, गुड टू सी यू बेटा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। दिया, हर्षिका, ओके, अनुशुआ, पूजा, अंशिका, मुस्कान, अमन, ठीक है, ओके, बस और किसी का नहीं हुआ? जुनैद, साहिबा, साफिया, सानिया, तमन्ना, शिवम, बताओ भाई, ओके,
ठीक है, इसका आंसर अंशिका आप बताइए बेटा, कैसे किया और क्या आंसर आप लोगों ने निकाला? अंशिका मैम इसका ए होगा, ए आ रहा है। कैसे किया बेटा? मैम इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाले 18, क्योंकि ml है तो उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे पहले। अब उसको निकालेंगे तो इसके नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज्यादा आएंगे। कैसे निकाले इसके नंबर ऑफ मोल्स ए वाले के बेटा? मैम पहले इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद अपॉन में 18 होगा इसका मोल, वो इसका मोलर मास 18, 18 से 80 करेंगे 10^-3। 18 को 18 से कैसे डिवाइड किया? 18 × 10^-3 ग्राम डिवाइड बाय 18 कैसे किया तुमने? कोई नहीं बोलेगा बेटा। हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया, बताओ कैसे किया? डायरेक्ट कर दिया। देखो अभी तो चलो मान लेते हैं तुम लोगों ने नीट के क्वेश्चन किए तो रटे हुए हैं बेटा, पेपर में घुमा देगा एग्जामिनर। ठीक है देखो कैसे करना है, इधर देखो, कोई मुझे बताएगा इसको कैसे सोल्व किया? आंसर तो ठीक है तुम लोगों का 18 ml of water, क्या आप डायरेक्ट इसको ml में ही चेंज कर, मतलब लीटर में चेंज करके इसको 18 से कर दिया है क्या आप लोगों ने? ऐसा किया है क्या? नो मैम, मैं बताऊं? नो मैम। हाँ बताओ क्या नाम है उसका? गुंजन। हाँ नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। हाँ मेरे को पता था यही बोलोगे, गलती यहीं पे गलती कर दी गुंजन। नहीं दे दिया आंसर, दे दिया आंसर। अभी डेंसिटी वाला किसी ने रीजन दिया है वो एकदम ठीक दिया है। देखो बच्चों अब ध्यान से सुनो मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, आपको रटनी नहीं है चीजें। आप लोग मुझे ऐसा लग रहा रट के बैठ गए हो नीट के PYQs, रटने नहीं है समझो, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा नीट एग्जाम में, क्वेश्चन कहाँ से सेम आएगा, नहीं आएगा। देखो अगर मैं बात करूं तुम्हारे BCD वाले ऑप्शन की तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप निकाल लोगे 0.18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है आपको पता है अगर मैं बात करूं आपके 18 ग्राम में, पानी में तो कितने मॉलिक्यूल्स है 6.022 × 10^23। अगर मैं सिंपल लिख दूं एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो 0.18 में कितने होंगे ये आप निकाल लोगे, सॉरी Na बाय 18.18। ठीक है 0.001। ठीक है इतने मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें भी आप आराम से निकाल सकते हो, या तो तुम नंबर ऑफ मोल्स से निकालो, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे ना मेरे बच्चों मॉलिक्यूल्स भी उतने ज्यादा होंगे। ठीक है तो अगर आप लोगों को अपना टाइम बचाना है पेपर में तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है इसमें सिंपल है, ये कौन सी कंडीशन दी हुई है आप लोगों को? STP वाली कंडीशन दी हुई है, STP या NTP वाली। ठीक है इसमें आप डायरेक्ट लगा दो गिवन नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, गिवन वॉल्यूम आपको दिया ही हुआ है मेरे बच्चों 0.00224 डिवाइड बाय 22.4। ठीक है ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा कि एक मोल पानी में आपके एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है तो 10^-3 मोल में क्या होगा, या तो अगर मोल के टर्म्स में निकालो तो यही आपका आंसर है 0.001। लेकिन इस केस में बच्चे अगर आप ये लगा रहे हैं ना गिवन बाय 22.4 इसको लीटर में चेंज कर रहे हैं तो बेटा काटा लगा लो। अभी मैंने इस पे बहुत जोर दे के बोला था कि जो आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं ना गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, वो किसके लिए लगाते हैं? गैस के लिए लगाते हैं, जब वाटर तो यहाँ पे क्या होगा सोलिडिफाई फॉर्म, सोलिड फॉर्म में होगा, STP पे तो 0°C पे तो बर्फ जम जाती है, तो तुम कैसे लगा सकते हो ये फॉर्मूला? नहीं लगा सकते हो, समझ में आई क्या गलती कर रहे थे? ठीक है तो ये वाली गलती नहीं करनी। यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप डेंसिटी की हेल्प से जो है मास निकाल लोगे, डेंसिटी जो है वॉटर की 1 g/ml होती है। ठीक है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास बाय वॉल्यूम, यहाँ से मास निकाल लो। ठीक है वॉल्यूम दिया हुआ है इनटू डेंसिटी तो 18 g आ जाएगा। अब तुम निकाल लो, अब तुम निकाल लो गिवन मास है, मोलर मास क्या हो जाएगा तुम्हारा 18, तो कितने आ जाएंगे निकाल लो, Na आ जाएगा 1 mole। मैम वन मोल आ जाएगा, मतलब इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, देखो इसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है इस तरीके से क्वेश्चन करना है, हो जाएगा सबका? यस मैम। एक काम करो जहां आप लोगों ने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं ना, इधर आओ इधर आओ, जहां आप लोगों ने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हुए वहां पे ना ये मेंशन कर लो, ये वाला 18 ml ऑफ वॉटर को कैसे आपको सोल्व करना है, ताकि जब आप रिवाइज करो ये तो थोड़ा ना लेके बैठोगे, अपने नोट्स में ही वो आ जाएगा आप लोगों के। ठीक है चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे भी बच्चे बहुत फंसते हैं। ठीक है तो ये आपका मुझे नहीं पता क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला करो सोल्व। सपोज द एलिमेंट दिए हुए हैं एक्स एंड वाई, ठीक है ये कंपाउंड बना रहे हैं और ये आपको जो भी है कुछ डेटा दिया हुआ है, इसकी हेल्प से यू हैव टू फाइंड आउट द एटॉमिक वेट ऑफ एक्स एंड वाई, ये आपको बताना बेटा।
और जो मैंने बताई है ना चीजें क्लास को स्टार्ट करने से पहले, वो सारी आप लोग रिवाइज कर लेना। करो बेटा, ट्राई करो। अगेन वही तीन स्टूडेंट्स हैं जो पहले स्टार्टिंग से हैंड रेस कर रहे हैं। मुझे बता देना होगा कैसे, आंसर तो मुझे पता है आप लोगों ने रट लिए होंगे अब तक है ना, तो थोड़ा सा अप्रोच मैटर करती है। ठीक है, ओके। हर्षिका आप मुझे बताओगी बेटा कैसे अप्रोच किया इस क्वेश्चन को? यस मैम। मैम इसमें हमें बोल रखा है कि दो एलिमेंट है x और y, और वो दो कंपाउंड बना रहे हैं xy2 और x3y2, जिसमें से 0.1 मोल ऑफ xy2 का वेट 10 ग्राम है। तो यहाँ से हम 1 मोल xy2 का वेट निकालेंगे तो वो आएगा 10 डिवाइडेड बाय 0.1 मींस 100। ठीक है, मतलब तुमने मोलर मास निकाल लिया। यस मैम। और फिर अब हम इसके मोलर मास को एटॉमिक मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, एक्स का एटॉमिक मास प्लस ट्वाइस इनटू वाई का एटॉमिक मास इज इक्वल टू 100। ऐसे ही सेकंड वाले की भी इक्वेशन बनाएंगे, दो इक्वेशन बनेंगे, सॉल्व करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको मोल्स दिए हुए हैं और आपको गिवन मास दिया हुआ है, इससे आप मोलिकुलर बोल रहे हो मैं बार बार, मोलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलिकुलर मास जब मैं बोलती हूँ तो वो समझा करो कि एक मॉलिक्यूल का मास है। ठीक है, मोलर मास का मतलब आपके वन मोल के उसके मास की बात हो रही है, तो समझ जाना। ठीक है, जब आप इसका निकालोगे बेटा तो इसका आएगा 180 ग्राम आ रहा होगा आप लोगों का सोल्व करने पे। ठीक है, yes, मोलर मास इन वाले का, तो बस वही है जैसे मैथ्स में इक्वेशन सोल्व करते हो, इसमें भी माइनस कर देना आपको, तो इसमें क्या आ जाएगा माइनस 2x माइनस 80, तो x यहाँ पे 40 आ जाएगा, और ऐसे ही आप इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपका वाई आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन पॉपुलर है, आप कोई भी एंट्रेंस दे लो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो 40 और 30 क्या होगा इसका, एक्स और वाई की वैल्यू होगी, यानी कि ए ऑप्शन इज करेक्ट। कर पाओगे ये क्वेश्चन? यस। हाँ मैम। ठीक है, ओके। सारे फॉर्मूले वही लग रहे हैं जो आप लोग पढ़ते हैं, जो भी मैंने वो लिस्टिंग की थी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज की, सही वही फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये वाला क्वेश्चन है, इफ एवोगैड्रो नंबर इज चेंज्ड फ्रॉम 6.022 इनटू 10 की पावर 23 टू 6.022 इनटू 10 की पावर 20 पर मोल, दिस वुड चेंज। आप लोग हैंड ही रेज नहीं कर रहे, फिर आप लोगों ने अवंती का टेस्ट कैसे दे दिया भाई? या तो कटे होंगे मार्क्स या छोड़ के आए होंगे ये वाले क्वेश्चंस, मतलब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आई मीन टू से। तो बेटा अब कर लो, 11th क्लास का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, अंजलि आप बताइए। अंजलि डी होगा? नहीं, गलत है ये तो। ठीक है, डी कैसे इफेक्ट कर रहा है इसको, अगर एवोगैड्रो नंबर चेंज हो जाएगा यूनिट चेंज हो जाएगी क्या? ठीक है, बताओ क्या आंसर आएगा, बाकी सबका बताओ। ए आ रहा है क्या? जो अगर मैं बात करती हूँ बेटा, वन मोल क्या होता है, वन मोल बराबर ही किसी होता है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। अगर तुम एवोगैड्रो को ही चेंज कर दे रहे हो तो वन मोल थोड़ी ना रहेगा, कुछ और मोल बन जाएगा। ठीक है, या तो ऐसे कर लो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कुछ भी है, मान लो पार्टिकल्स है उसमें वन मोल है, अगर तुम मोल ही एवोगैड्रो नंबर ही मतलब बदल रहे हो, 20 ले रहे हो इसकी जगह, 6.022 इनटू 10 की पावर 20 ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा ना बच्चों। देख लो, बेशक करके देख लेना इसको। ठीक है, तो आपने तो क्या किया, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन ही क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कंसेप्चुअल है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है दोबारा भी।
ठीक है, बाकी सारी चीजें चेंज नहीं होंगी, मास ऑफ वन मोल ऑफ कार्बन ही चेंज हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए बेटा। द नंबर ऑफ वॉटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम, आपको बताने किस केस में वॉटर के मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम होंगे, सेम वॉटर के मॉलिक्यूल्स बताने आप लोगों को, वैसे तो ये देखते ही पता चल जाएगा आप लोगों को। अर्पिता का सबसे पहले आंसर आ गया, अर्पिता हैंड रेस करना था। ठीक है, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, यहाँ पे भैया 18 मोल की बात हो रही है, एक मोल में ही हमें पता है एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वॉटर के, तो ये तो 18 मोल की बात होगी, यहाँ पे तो 18 × NA होंगे, तो ये तो देखते ही कर देना। और अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए पेपर में तो भैया फिर किस्मत खुल गई तुम लोगों की, लेकिन आ नहीं रहे हैं कुछ सालों से ऐसे ना क्वेश्चन, स्टोकियोमेट्री पे ज्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन, और अब आजकल जो है ये वाले क्वेश्चन ज्यादा फेमस हो रहे हैं, परसेंटेज यील्ड, परसेंटेज कंपोजिशन, ये वाले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, फ्रॉम वन मोल सैंपल ऑफ आयरन इफ 12.04 × 10²² एटम्स आर रिमूव्ड देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, विल बी। अच्छा ठीक है, भावनाओं में बह गई थी अर्पिता। ठीक है चलिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, फ्रॉम वन मोल ऑफ सैंपल ऑफ आयरन इफ 12.04 × 10²² एटम्स आर रिमूव्ड देन रिमेनिंग नंबर ऑफ मोल्स। जो बच्चे आते तो 45, अभी 37 हो गए, या तो वो क्वेश्चन देख के भाग जाते हैं, या तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डिटेल में हो रहा होगा चैप्टर, आई डोंट नो क्या रीजन रहता है बच्चों का, आई रियली डोंट नो। ठीक है मैम, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, दिख रहा है, हाँ करो फिर, दिख रहा है तो ठीक है, अभी हैंड रेस करो, नीट का नहीं लिया है मैंने, ये कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, एक मोल सैंपल आयरन का, उसमें से तुमने इतने नंबर ऑफ एटम्स जो है गायब कर दिए, रिमूव कर दिए, तो बताइए भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स बचेंगे, बताओ भाई, जैसे तुम करना चाहते हो वैसे कर लो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, अभी भी वेरी गुड, बहुत बच्चों के हैंड रेज हुए हैं, शाबाश। जेबा का हो गया है, वैशाली का हो गया है, गूगल मत करना बस क्लास में बैठ के, ठीक है ओके। कोमल का हो गया है, ओके कोमल बताओ कैसे किया है बेटा। मैम मेरा आंसर बी आ रहा है, मैंने एक मोल में से जो मतलब 12.02 × 10²² को माइनस कर दिया। मोल में से एटम को कैसे माइनस कर दिया बेटा, मोल में से तो मोल माइनस होता है ना। यस मैम, शायद भी गलत होगा। नहीं आंसर तुम्हारा एकदम बिल्कुल ठीक है, बट तुमने ना मोल माइनस कर 6.022 × 10³³ माइनस करें, में से माइनस करेंगे। देखो पहले इसको Na से डिवाइड किया और फिर उसके बाद हमारे पास ना 0.2 मोल्स आए, तो 1 मोल थे हमारे पास पहले, तो उसमें से उसे माइनस कर दिया तो 0.8 मोल्स। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसे करना, लेकिन ध्यान रखना माइनस कर रहे हो तो मोल में से मोल, सेम यूनिट में से सेम यूनिट माइनस होती है, तो यू हैव टू कन्वर्ट दिस नंबर ऑफ एटम्स इनटू नंबर ऑफ मोल्स। तो कैसे करोगे, गिवन नंबर ऑफ एटम 12.04 × 10²², आई थिंक अवंति के टेस्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आया था, अभी मेरे को याद नहीं है, शायद आया था, बता देना मेरे को आया था कि नहीं। ठीक है 6.022 × 10²³। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, कितने आएंगे, इसको 6 मान लो, इसको 12 मान लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 × 10²-1 यानी कि 0.2। ठीक है, तो पहले एक मोल था, अभी कितना है 0.2, तो कितना बच गया, इतने गायब कर दिए तुमने, 0.8 मैम। ठीक है, आ सकता है ना नीट में, बिल्कुल आ सकता है, कम टाइम में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा तुम लोगों से, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को, लेकिन वो डिफिकल्ट, अच्छा आई थिंक थोड़ा सा और कुछ ऐड कर रखा होगा इसमें। ठीक है, ऐसे ही होना था वो क्वेश्चन अगर आया था तो। ठीक है, अभी करके देखना। ठीक है चलिए, उसके बाद आते हैं हम आइडियल गैस इक्वेशन पे। ठीक है, अब देखो जैसे कि तुम्हारा सिलेबस जो अपडेट हुआ है उसमें क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन तो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर वाले चैप्टर में है, बट नोटिस किया हो तो इसमें भी तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन का आइडिया मतलब दिया हुआ है बेसिकली तुम्हारी बुक में, तो इसका आइडिया तुम लोगों को होना चाहिए PV = nRT का। अब यहाँ पे पी क्या है ये पता होना चाहिए, प्रेशर। ठीक है, देखा देखा सा नहीं लग रहा, पढ़ लो इसको ATM में। ठीक है, वॉल्यूम किस में लेने वाले हो, लीटर में लेने वाले हो, गैस की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, और एन क्या है, तुम्हारे नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम लीटर में है, तो इसके करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू क्या लोगे, 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन।
ठीक है, और टेम्परेचर आपका शुड बी इन केल्विन, ठीक है जी। उसके अलावा और क्या ध्यान रखना है आप लोगों को, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला भी ध्यान रखना है, आप इसको चेंज कर सकते हो, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, गिवन मास बाय मोलर मास होता है इनटू आरटी, ठीक है। तो मोलर मास को मैं कैपिटल एम लिख रही हूँ, मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी बन जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखना कि डेंसिटी क्या होता है, पीएम बाय आरटी होता है बेटा, ठीक है। अगर कॉन्स्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे बात करोगे तो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। हो सकता है कि आपको एक डेंसिटी दे रखी हो, दूसरी की निकालनी हो और दोनों के मोलर मास दे रखे हो, तो आप ये डेंसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि ये इक्वेशन आपके वैसे तो स्टेट्स ऑफ मैटर के, नो डाउट, बट एग्जामिनर पूछ सकता है अगर ये आपके एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर में गिवन है तो, ठीक है जी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है जो मेरे बच्चों को याद रखना है वो क्या क्या है, कि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, बता देना, यस मैम इतने ही होते हैं, ठीक है। और 1 ml में 10^-3 लीटर होता है, अगर इसको चेंज कर दोगे तो। और 1 ml 1 cm³ के इक्वल होता है, और आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों, 1 liter 1 dm³ के बराबर होता है, और 1 liter 10^-3 m³ के बराबर होता है। ये पता है क्या तुम्हें कन्वर्जन? यस मैम। थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं कन्वर्जन, एक इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान है कि आपके सोल्यूशन वाला चैप्टर में भी काम आएंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना अगर नहीं मालूम है तो, ठीक है। चलूं आगे, चलिए अगर ये चलूं तो ये वाले मुझे, ये वाला क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस सैंपल हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, किस केस में नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे मैक्सिमम होंगे, तुम ही बताना, मैं सिर्फ आंसर मार्क करूंगी क्योंकि इसका आंसर है मेरे पास, ठीक है। क्योंकि ना अगर मेरे पास आंसर नहीं होता है ना तो मुझे सोल्व करके देखना पड़ता है फिर, ठीक है। अभी मेरे पास है इसका आंसर, तो तुम लोग मुझे करके बताओ कैसे किया, और अपन डायरेक्ट फिर आंसर मार्क करेंगे। आपको बताने मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, वही मोल निकालो, मॉलिक्यूल निकालो, उससे नंबर ऑफ एटम निकलेंगे। सिंपल मैं बता देती हूँ नंबर ऑफ एटम, ये वाला फॉर्मूला लगा लेना। अरे गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगैड्रो नंबर, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, मल्टीप्लाई कर देना, बस आंसर आ जाएगा। चलो करो, जल्दी करो। ये हो गया क्या, साक्षी दिया, इन्होंने हैंड रेस किया हुआ है बच्चे, हो गया है क्या? ये आपका जो ये डी वाला पार्ट है ना, ये डी वाला पार्ट, ये आपका नीट का PYQ है, मतलब सिर्फ इस डी वाले पार्ट को उठा के पूछा हुआ था इसमें कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, तो ये आपका सिर्फ डी वाला बता रही हूँ, नीट का PYQ है। मैंने इसमें पूरा अलग से क्वेश्चन लिख दिया, बताओ किसका हुआ है बेटा, बताओ जी किसका हो गया, साक्षी हो गया है क्या, कैसे आया ए बेटा? मैम पहले तो इसको 44.8 लीटर को मैंने 22.4 से डिवाइड करा तो 2 मोल्स आया, फिर मैम ओटी में 3 एटम्स है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 आया, और 6 एन आया, मैम ज्यादा इसी में है, ठीक है। यही किया सबने, बिल्कुल ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम निकालना है और वॉल्यूम की टर्म्स में दिया है तो लगा दो डायरेक्ट, गिवन वॉल्यूम आपको ऑलरेडी गिवन है, डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ठीक है, इनटू ये Na सोडियम नहीं है, Na एवोगैड्रो है, और नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं तो मल्टीप्लाई कर देना उसे, सबसे अच्छा तरीका होता है करने का, लेकिन ये चीजें प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। अच्छा ये निकल जाएगा आंसर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इधर आओ मेरे बच्चों, ये वाला आप सिंपल कर लोगे क्योंकि STP पे ही है, गिवन वॉल्यूम बाय एवोगैड्रो 22.4 लीटर हो जाएगा इनटू Na और नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे 3। लेकिन बेटा इन दोनों में ना आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ना ये STP और NTP की कंडीशन नहीं है मेरे बच्चों, यहाँ पे 300 केल्विन है और यहाँ पे प्रेशर हो गया 2 एटमोस्फेयर, तो यहाँ से आपको क्या यूज करना पड़ेगा, PV = nRT यूज करना पड़ेगा, और नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आने पड़ेंगे, यही बताने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था, और कुछ भी नहीं था इसमें, समझे? क्योंकि ये आप कब लगाएंगे फॉर्मूला, गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर वाला कब लगाएंगे, तब लगाएंगे जब आपको STP की कंडीशन और या NTP दोनों में से दिया गया हो,
ठीक है, लेकिन ये दोनों में से कोई भी नहीं है, एसटीपी और एनटीपी वाली कंडीशन नहीं है, तो आप ऐसे नहीं लगा सकते हो। हालांकि तुम्हारा आंसर ठीक आ गया, बट अगर किसी बच्चे ने वैसा लगाया है और आंसर आ गया तो इट मीन्स तुक्का लग गया है, वो पेपर में आ गया तो फंसोगे। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें मेरे बच्चों आप लोगों को, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे फिर आप निकाल लो मस्त मजे से। क्लियर हो गया ये वाला डाउट, मतलब ये वाला क्वेश्चन? मैम हाँ बेटा, मैम इसमें फिर हमें फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन आया इसमें हमें एवोगाड्रो नंबर को 3 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स पूछा ना बेटा, अगर मॉलिक्यूल्स पूछता तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, फिर आप 3 से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है? यस मैम। चलूं आगे, चलो ये वाला, अरे ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है, अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला करना ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तुम नोटिस कर रहे हो मैं एटम्स वाले ही पूछ रही हूँ ज्यादातर क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 16 ग्राम ओजोन, 28 ग्राम CO एंड 16 ग्राम ऑफ O2 ये दिया हुआ है, आपको आंसर बताना है। 8:20 तक क्लास लूंगी बेटा, क्योंकि जितना सोचा उतना करवाऊंगी। चलिए करिए, सब बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो, जो जिन बच्चों ने ये चैप्टर किया है उनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और बहुत अच्छा करो, इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि नीट में मुश्किल नहीं आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ बस आप लोगों ने एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करी हो और पीवाईक्यूज। इसका मैं आपको मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी आज रात में ही, आप वो मॉड्यूल के क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं, उसमें अराउंड 150 क्वेश्चन है। चलिए, कौन बताने वाला मुझे इसका आंसर, मतलब कैसे किया? आंसर तो क्या ही करोगे, आंसर तो तुम गूगल कर लेते हो। हाँ, कैसे किया गुंजन, आप बताओगे? गुंजन कुमार, नॉट गर्ग। हाँ गुंजन, अब गुंजन कहेगा मैम जब मैं हैंड रेस करता हूँ तब तो आप पूछते नहीं हो। मुस्कान आप बताओ, मुस्कान बताओ। मैम इसमें वो हमें मॉलिक्यूलर वेट दिया है, हम इसका हम मॉलिक्यूलर वेट दिया है, जो वेट दिया है उसे मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे, और मैम सभी के इनके रेशियो मैम 3:1:2 आया, ये आया मैम। ओके, दीपक तुम्हारा क्या है आंसर? किसी और का भी आया क्या? गुंजन, गुंजन गर्ग मैम ए ए आ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं ना, इसलिए तो सीधा उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला से करा हमने। कोमल आपका क्या आ रहा है बेटा? डी, डी किस किस का आ रहा है बेटा? डी एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओगे, डी किस किस का आ रहा है? ठीक है, यहाँ भी एक गलती कर दी बेटा आप लोगों ने। सुनो, आपको ऑक्सीजन एटम्स बताने हैं ना, डायरेक्ट ये वाला लगाओ ना जो अभी मैंने बताया। पहले बेटा एटम्स जब भी आप निकालोगे तो यू हैव फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मोल्स फॉलोड बाय मॉलिक्यूल्स, देन आप लोगों के एटम्स निकल के आएंगे। डायरेक्ट मोल्स एटम नहीं बना निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स क्या है, मान लेते हैं मैं एटम्स की बात करी ऑक्सीजन की, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ओजोन, तो कैसे करूंगी? गिवन मास बाय मोलर मास कितना होता है ओजोन में भाई? 48 होता है, ठीक है। ये मोल निकल गए, मॉलिक्यूल्स के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितने मल्टीप्लाई कर दोगे? 3 कर दोगे, तो कितना आया ये? कितना आ गया ये? तो ऐसे CO में बात कर लो, CO में क्या है? 28 ग्राम, तो गिवन मास बाय मोलर मास कितने हैं ऑक्सीजन एटम? 1 ही है, तो इनटू 1, तो ये भी Na के बराबर आ जाएगा। अब आओ ऑक्सीजन में, तो कैसे करोगे? गिवन मास बाय मोलर मास, मॉलिक्यूल्स में चेंज करोगे तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ एटम्स के लिए कितने हैं? 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यानी, तो बेटा रेशियो तो आ गए। यस मैम डी, ठीक है। तो आप लोग पता है मतलब गलती है, पता है क्या कर देते हो आप जल्दी जल्दी में ना, ये भूल जाते हो कि एटम्स पूछा है। अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछा होता तो आपका आंसर ए आना था, मतलब चेक कर लेना ए आना था कि नहीं आना था, कहीं आप बोलो मैम ए तो आया नहीं, ठीक है। तो उस केस में आप नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है, आपको ऐसे करना। और ये बहुत अच्छा फॉर्मूला मैंने बना दिया तुम लोगों के लिए वाला,
ठीक है, आपसे कुछ नहीं, आपको पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, फिर वो इधर आओ तुम लोग इधर आओ एक बार, ठीक है। अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो एक बार चेक कर लो, उसने मास की टर्म्स में पूछा तो गिवन मास बाय मोलर मास, अगर उसने मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में पूछा है मतलब पार्टिकल्स की टर्म्स में पूछा है तो आपका नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो, ठीक है। अगर उसने वॉल्यूम की टर्म्स में पूछा है तो क्या लिखोगे, गिवन नंबर बाय सॉरी गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, ठीक है। अगर वो पूछ रहा है एटम तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालो, फिर उसको मॉलिक्यूल्स में चेंज करो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करके, फिर कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला बड़े काम का है अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसी में भी, ठीक है। अब आपको देखना है कि उसने किस टर्म्स में पूछ रखा है, वॉल्यूम के टर्म्स में पूछ रखा है, किसके टर्म्स में पूछ रखा है, मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में पूछ रखा है या मास के टर्म्स में पूछ रखा है। जैसे इसमें देखो मास के टर्म में पूछा हुआ है तो मैंने लगा दिया गिवन मास बाय मोलर मास करके, ठीक है जी, कर लोगे ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है बेटा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ये भी आ जाता है कई बार क्वेश्चन यहाँ से, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस कैसे निकालते हो आप, डेंसिटी ऑफ गैस जो भी आपको गैस दी जाएगी उसकी डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन H2 गैस, ठीक है। और आपको ये पता ही है क्या होता है, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला बताया मैंने, Pm by RT, है ना। तो जब आप इसको चलो मैं करके दिखा देती हूँ, बाय आर टी, और ये भी क्या हो जाएगा H2 गैस बाय आर टी। देखो एक बार प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट लेना है इसमें, क्या करूं हटा दूं सबको इनको, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेपर डेंसिटी जब भी निकालना हो तो मॉलिक्यूलर मास कर देना डिवाइड बाय टू, खत्म कहानी खत्म, ठीक है। वेपर डेंसिटी कैसे निकालोगे, जो भी मॉलिक्यूलर मास है, जो भी मोलर मास आएगा गैस का, उसको डिवाइड कर देना टू से, खत्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टू इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है बेटा एवरेज एटॉमिक मास, तुम लोगों को पता होगा, देखो जब भी एवरेज एटॉमिक, देखो एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में कब आता है, जब हम आइसोटोप की बात करते हैं, अदरवाइज वो फ्रैक्शन में नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्लोरीन हम बोलते 35.5, तो वो किस लिए आ रहा होगा, आइसोटोप की वजह से आ रहा होगा, जैसे उसका 35 और 37 एग्जिस्ट करता है नेचर में, ठीक है। 35 वाले की अबंडेंस जो है ज्यादा होती है, उसकी कम होती है, तो उस केस में जो आप एटॉमिक मास निकालते हो उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। तो 35.5 क्या है, एवरेज लिया हुआ है 35 और 37 वाले आइसोटोप का, ठीक है। तो अगर बच्चों आपको किसी भी एक्स मान लो एक्स कोई भी आपका है एलिमेंट है, उसका आपको एटोमिक मास निकालना है एवरेज एटोमिक मास, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, ये है A1X1 प्लस, हो सकता है किसी बच्चों ने M1X1 करके याद रखा हो, जैसे आपकी मर्जी, A1X1 प्लस A2X2 अप टू सो ऑन ANXN डिवाइड बाय करना है 100। अब A क्या है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप, जो आपको आइसोटोप का मास, आइसोटोप का मास कैसे लिखते हैं पता है ना, ऊपर लिखते हैं यहाँ पे A से, और नीचे उसका एटॉमिक नंबर होता है, मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ये X1 X2 क्या है, मोल परसेंटेज है, उनकी अबंडेंस कितनी है नेचर में, वो परसेंटेज यहाँ पे लिखना है। अगर ये मालूम है और पेपर में आ गया तो चार नंबर तुम्हारे फ्री के हाथ में है, इससे क्वेश्चन डिफिकल्ट आता ही नहीं बेटा, समझ आ गई। अगर तुम्हें एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो ये फॉर्मूला अभी के अभी लर्न करो और फिर मेरे को क्वेश्चन करके दिखाना, ठीक है। तो अभी मैंने मोल कॉन्सेप्ट बता दिए, वो फॉर्मूले बता दिए, क्वेश्चन करा दिए, अब मैंने तुम्हें दो कॉन्सेप्ट और बताए, एवरेज एटॉमिक मास और वेपर डेंसिटी, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाओ। तो पहला क्वेश्चन ये है एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड, ये तुम्हारा नीट का PYQ लेके आई हूँ। नेचर में बोरोन एग्जिस्ट करते हैं 10 और 11 फॉर्म में, विद परसेंटेज अबंडेंस भी दी हुई है इनकी 40% एंड 60%, आपको एटॉमिक मास बताना है, बताओ कुछ है, फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो, फॉर्मूले में पुट करो आंसर निकालो, हालांकि मैंने इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हैं यहाँ पे, आपको एटॉमिक मास निकालना है बोरोन का। हर्षिका ने देखो हैंड रेज कर लिया, हर्षिका यू आर डूइंग वेरी वेल बेटा, आई थिंक तुमने ये चैप्टर कर लिया हर्षिका। यस मैम, ग्रेट, ठीक है, ऐसे आना चाहिए, अगर तुमने कोई चैप्टर पढ़ा ना ऐसा मैम ये तो हम कर लेंगे, तो ऐसे तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। हाँ, काफी बच्चों ने हैंड रेज कर लिया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। कैसे किया विशाली क्वेश्चन? मैम हमने पहले उसके एटॉमिक मास से उसकी एग्जिस्टेंस और अबंडेंस को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरे वाले में भी ऐसे ही किया, 11 into 60 upon में 100 कर दिया, 10 point something आ रहा होगा आंसर,
10.60। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट होगा। तो देखो सिंपल कुछ नहीं करना, ये करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करोगे, अब ये वाला क्वेश्चन करो चलो, क्योंकि ना इससे ना दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहला टाइप का मैंने बता दिया, दूसरे टाइप का ये है। ठीक है, एक तीसरे टाइप का, वो आपको होमवर्क में मिलेगा। ठीक है, एवरेज मोलर मास ऑफ क्लोरीन आपको दिया हुआ बेटा इतना, द रेशियो बताना है क्लोरीन 35 टू 37 अकरिंग क्लोरीन इज क्लोज टू। अब इसमें अबंडेंस नहीं दे रखी, वो आपको निकालनी है। ठीक है, करिए बेटा क्वेश्चन, करिए वाला। कैसे कर रहे हो बताओ, वंशिका आप बताओगे कैसे किया? बताओ बेटा। मैम अभी तो फिलहाल मैं कर रही हूँ, गलती से वो माइक पे टच करने की वजह से वो हैंड रेस में हो गया था। अच्छा अच्छा दिया आपका हो गया है क्या? यस मैम। कैसे किया? भाई आप लोग बड़ी देर लगा रहे हो, इतना टाइम ही नहीं है बेटा, और भी क्वेश्चन। अच्छा ये लास्ट है क्या? अच्छा चलो बता दो आराम से। बताओ सामी आप बताओ। मैम पहले एक मतलब 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन के एक्स वाई मान के, तो एक्स 35 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वाई को 37 से डिवाइड 100, इन दोनों को ऐड कर देंगे और इक्वल में 35.5 रख देंगे। उसके बाद वही इधर उधर भेज देंगे, मतलब 100 उधर चला जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन। ठीक है कैलकुलेशन। ठीक है देखो इसमें क्या, ये देखो बच्चे इक्वेशन तो बनेगी। देखो दोनों की अगर नेचर में 35 क्लोरीन है तो 37 सीएल में दोनों की अबंडेंस 100% है ना, इन दोनों की 100% है। तो मैं क्या करती हूँ, एक को x मान लेती हूँ और दूसरे को 100 माइनस x मान लूं। बताओ। यस मैम। ठीक है ऐसे करके करना है। तो इसकी क्या होगी, x इंटू 35 हो जाएगी क्लोरीन वाले की, प्लस 100 माइनस x इंटू 37 हो जाएगी डिवाइड बाय 100। और आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास तो इन्होंने ऑलरेडी निकाल के दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगी, 35.5। एक मिनट रुको, अरे कहाँ गया मेरा पेन, गिरा। ठीक है 35.5। अब करके आप निकालना कि x की वैल्यू क्या आ रही है और आपकी 35 क्लोरीन की क्या आ रही है और 37 क्लोरीन की क्या आ रही है। आई थिंक 75% और 25% आ रहा होगा। यस मैम यही आया। ठीक है, इसका रेशियो जब आप लोगे तो इट विल बी 3:1। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, एक वेपर डेंसिटी का क्वेश्चन और देना था मैंने, कोई बात नहीं, वो जब कॉन्सेप्ट बताऊंगी तब मैं कर लाऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही करो आप लोग। ठीक है, ये देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं बेटा, ये आपको करने हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको घर पे करने हैं आराम से बैठ के, अराउंड 15 क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट क्लास में मैं ये वाली चीजें जो है कवर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो ठीक है आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और ये क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से, और कल के लिए जो भी मैंने दिया है वो रिवाइज करके आना बेटा। ठीक है, और मुझे बता दो एक बार, समराइज कर दो कि एक बार क्या किया हम लोगों ने बेटा, कोई भी बच्चा बता दो। मुस्कान आप करोगी क्या? नाम हमने मोल के बारे में पढ़ा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पढ़ी, उसके बाद हमने मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं वो पढ़ा। ठीक है ओके, हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और वेपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं हमने वो पढ़ा, मोलर मास ओवर टू, और हमने कुछ फॉर्मूलास पढ़े और उनके बेस क्वेश्चन करे। ठीक है बच्चों, तो हाँ बेसिकली आज हमने यही पढ़ा है, तो आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो यही पढ़ना है कि नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे निकाल सकते हो। अगर मास की टर्म में है तो गिवन मास बाय मोलर मास बेटा। ठीक है, मोलर मास
ठीक है, अगर वॉल्यूम की फॉर्म में है मतलब वॉल्यूम की टर्म्स में है, तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर, लेकिन ध्यान रखना एसटीपी एनटीपी कंडीशन होनी चाहिए और गैस की बात कर रखी हो, कहीं पता चले जैसे वाटर में गलती करी थी मत करना, ठीक है। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रखी हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला है सबसे काम का अगर तुम मोल के क्वेश्चंस कर रहे हो बच्चों, ठीक है। उसके अलावा 1 AMU तुम लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए अगर एवोगैड्रो को AMU से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 ही आता है, ये मालूम होना चाहिए, पता आप चले इसमें से यही क्वेश्चन बना के पूछ लिया उसने, है ना, 4-5 स्टेटमेंट करके। उसके बाद तुम्हें PV = nRT ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है PM/RT, मैंने इसका ऑलरेडी एग्जाम डोज आप लोगों को भेज रखा है, देख सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा वेपर डेंसिटी निकालना है तो मॉलिक्यूलर मास बाय 2, ठीक है। अगर एवरेज मॉलिक्यूलर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, या एवरेज अगर मैं बात करूं मोलर मास निकालना है तो कैसे करोगे, वही वही करना है तुम्हें, क्या करना है आपका क्या होगा, जो आइसोटोप का मास नंबर होगा अगर मैं जो भी मैंने बताया उस टर्म्स में लिखूं तो इसके जैसे होगा, ठीक है, डिवाइड बाय 100। यहाँ पे एक्स क्या है आपकी अबंडेंस है, परसेंट मोल परसेंटेज है, ये परसेंटेज अबंडेंस है, और A1 A2 क्या है आपके मास ऑफ आइसोटोप, ठीक है। तो ये वाली चीजें आपको करनी है और इसी पे बेसिस इसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए हैं वो आपको करने हैं। एंड लास्ट में जो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्या बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, ठीक है, और इसी तरह से पढ़ते रहो। और जो बच्चों ने ये चैप्टर किया हुआ है वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उनका, वेरी गुड। और जिन